लेकिन अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं तो फिर ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है अगर आप अच्छे से ट्राई करें इसे तो। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आभा एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मेथड जिससे आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी हीट। सो बिफोर मूविंग ऑन आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस मेथड। सो बेसिकली इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको एक चुन्नी की मदद से अपने बालों को इस तरीके से टाई करना है कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप उसमें कर्ल्स फॉर्म हो जाए। अगर आपके बाल स्ट्रेट और सिल्की है देन इट्स पॉसिबल दैट ये जो मेथड है, ये जो इसका जो इफेक्ट है, ये आपके बालों में ज्यादा लास्ट ना करे, क्योंकि स्ट्रेट और सिल्की बालों में कोई भी स्टाइलिंग ज्यादा देर तक स्टे नहीं करती। बहुत सिल्की और स्ट्रेट होने की वजह से वो जल्दी पहले के जैसे हो जाते हैं, जबकि अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी है तो फिर ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है अगर आप अच्छे से ट्राई करें इसे तो। मेरे बाल नेचुरली ड्राई और फ्रिजी हैं और कर्ली भी हैं, बट जो कर्ल्स होते हैं वो हेड वॉश करने के बाद ही आते हैं। जैसे कर्ली बालों पे मैं कोम करती हूँ वो कर्ली बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। सो आई नेवर गेट दीज काइंड ऑफ सॉफ्ट कर्ल्स, परफेक्ट सॉफ्ट कर्ल्स। दिस मेथड हैज वर्क्ड अमेजिंगली फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। बट चाहे आपके बाल सिल्की हो या ड्राई हो, एक बार इसे ट्राई जरूर करें, क्या पता है आपके बालों पर काम कर जाए। एंड बिलीव मी द रिजल्ट इज ब्यूटिफुल। So without any further ado, let's get started. सो यू कैन सी हाउ फ्रिजी एंड ड्राई माई हेयर बिकम्स आफ्टर वॉशिंग। मैंने पिछली रात को इसे वॉश किया था एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को टी टैंगल करना है यूजिंग अ कोम। यहाँ पर मैं एक पैडल ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कोम या फिर ब्रश यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं साइड पार्टीशन कर रही हूँ ताकि उसी तरीके से मेरे कर्ल्स फॉर्म हो। तो फ्रंट से मैंने साइड पार्टीशन कर लिया है और बैक साइड से मैंने मिड पार्टीशन कर ली है ताकि मेरे बाल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। मेरे बाल अभी कम्प्लीटली ड्राई हैं तो थोड़े सॉफ्ट करने के लिए मैं इस पर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। हेयर आई एम यूजिंग द गुड वाइब्स नीम ऑयल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो माई हेयर इज स्टेम्ड एंड डिटैंगल्ड, इट्स टाइम फॉर द मेन पार्ट। तो मैं यहाँ पर इस कॉटन चुन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इस तरीके से उसे फोल्ड करके अपने बालों पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हुए आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और कुछ इस तरीके से सबसे पहले सेक्शन को आपको चुन्नी के अराउंड रोल करना है, कुछ इस तरीके से। फिर जो दूसरा सेक्शन आप लेंगे उसे पहले वाले सेक्शन के साथ आपको मिक्स करना है और फिर से उसे चुन्नी के ऊपर रोल करना है। रोल करने के बाद आपको नया सेक्शन लेना है दोबारा से और पिछले वाले सेक्शन के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज करके दोबारा से रोल कर देना है। आपको इस प्रोसेस को अपने पूरे पार्ट में रिपीट करना है जब तक आपके बाल कंप्लीट ना हो जाएं एक साइड के। यहाँ पर ऊपर वाले बाल पूरी तरीके से रोल हो चुके हैं तो फिर मैं नीचे जो सेक्शन बचा है उसे अच्छे से पहले कोम करूँगी और उसे भी चुन्नी के ऊपर इसी तरीके से रोल कर दूँगी। एक साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू सिक्योर इट बाय क्रिएटिंग अ साइड बन। और आप इसे किसी के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग अ बॉबी पिन और टिक टैक क्लिप और इवन अ रबर बैंड। दूसरी साइड कंप्लीट करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना है और इसे रोल करना है टिल द एंड। फॉर मी इट वर्क्स द बेस्ट जब मैं 24 आवर्स के लिए इसे रखती हूँ। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइट ना टाई करूँ। एंड स्पेशली अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टाइटली इसे टाई ना करें।
डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपको पहली बार में ही ये बेस्ट रिजल्ट्स ना दे, क्योंकि इवन आई मेस्ड अप इन द फर्स्ट टाइम. हो सकता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, क्योंकि इतने टाइम में आपको पता चल जाता है कि आपके हेयर टाइप के लिए क्या बेस्ट वर्क करता है. So both the sides are tied and secured. Now it's time to keep it for 24 hours. The next day. So this is how it looks like the next morning. After taking a bath, मैंने इसे दोबारा से tie किया था, क्योंकि रात को सोते समय ये थोड़ा सा ज़्यादा frizzy हो जाते हैं. So in the morning I did it again and left it for around 4 to 5 hours. और आप चाहें तो इसे पूरी तरह कवर करके भी सो सकते हैं रात को, ताकि ये सुबह ज्यादा फ्रिजी ना हो. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ओपन इट अप, एंड इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग इट अप यू विल सी सम टाइट कर्ल्स, बट थोड़े टाइम के बाद ये टाइट कर्ल्स जो हैं ये लूजन अप हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर ओपनिंग अप, एंड नाउ आई विल कॉम इट थ्रू ताकि मेरे बाल टैंगल फ्री हो जाए. कॉम करने के बाद आप इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. कॉम करने के बाद मैंने इसे थोड़े थिक सेक्शंस में लेके कुछ इस तरह से ट्विस्ट किया, एंड यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग द कर्ल्स इटसेल्फ. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज फॉर्मिंग दी स्पाइरल कर्ल्स. It's really very astonishing to watch कि कैसे सिर्फ हाथों की मदद से इतने सुंदर curls form हो रहे हैं. You can see how beautiful it looks and I just can't get over it. So this one is thin spiral curls. पहले मैंने thick sections लिए थे curls करने के लिए, and now I'm taking really thin sections for curling my hair. दूसरी साइड पर भी मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है और मैंने थिन सेक्शंस लेकर उसे कर्ल किया है. You can see these thin spiral curls are also looking amazing. Best part about these curls is that आप अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल कर सकते हैं, चाहे आप टाइट कर्ल्स कर सकते हैं, लूज कर्ल्स कर सकते हैं, ओपन कर्ल्स कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, एंड दैट टू बाय यूजिंग ओनली योर हैंड्स. तो ऊपर से मुझे अपने बाल थोड़े से फ्रिजी लग रहे हैं, इसलिए मैं अभी ऑयल अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर भी मुझे फ्रिजीनेस लग रही है, और थोड़ा सा एंड्स पे ताकि वो ड्राई ना लगे. एंड इट वर्क्स परफेक्टली. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ओपन कर्ल्स, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें अपने टाइट कर्ल्स को ओपन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ऑन बोथ द साइड्स, एंड यू कैन सी हाउ इजी इट इज. आफ्टर डूइंग दिस इट कैन लुक अ लिटिल मेसी, बट यू हैव टू स्टाइल इट इन सच अ वे दैट इट लुक्स गुड. So this is the final style that I tried with these heatless curls, but the sky is the limit for you and you have to try many more styles using these heatless curls. Don't forget to try it out, keep practicing, and I'm sure that you are going to ace it. Here are some more looks that I created using these heatless curls.
Thank you so much for watching, guys. I hope that this video was helpful for you. And if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye-bye.